दिवाली की बढ़िया और मीठी चीज यानी मिठाई, और इस तरह से घर में पूजन संपन्न हुआ है दिवाली का। ये माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी और अन्य देवी देवता, लड्डू गोपाल, कुबेर जी, और ये दिवाली की खील है, प्रसाद, रंगोली, खूबसूरत दिया, काजल भी पारा जाएगा, और ये चरणामृत दिए, धूप बत्ती, और ये बहुत जबरदस्त चीज है, अब आपको बता दें, अन्नकूट। अन्नकूट यानी गड्ड की सब्जी, खीर, और ये सामने इस तरह का जो है दृश्य, अम्मा जो है दिए सजा रही है ले, और ये दिए लेके हम जा रहे हैं बाजार के शिव मंदिर, वहां पर ये दिए रखे जाएंगे, एक मंजू आंटी वाले मंदिर में रखा जाएगा। तो चलिए आप सभी लोगों को तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली इस बार की थोड़ी सी बोझिल है, क्योंकि हमारे पूज्य पिताजी अब स्मृतियों में हमारे साथ हैं इस बार, तो जिम्मेदारी मिली है ये दिए मंदिर में रखने की। जय भोलेनाथ। नवनिर्मित मंदिर है, अम्मा जिनका जिक्र कर रही मंजू आंटी जी, जो कि अब स्मृतियों में है केवल, उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर को निर्माण करवाया गया था, और यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। छोटी सी बच्ची बाजार के मंदिर, जहां पर दिए रखने के लिए जिम्मेदारी मिली है। जय भोलेनाथ। प्राचीन मंदिर है ये हमारे ग्राम आटा के, और बहुत सुंदर, वर्षों पुराने हैं ये, वर्षों क्या शताब्दियों पुराने मंदिर हैं, और
तो अपनी छत से कुछ इस तरह से दीपावली के पावन पर्व की झलकियां। जगह पूरा गांव ये देखिए वाइड एंगल से इस तरह से दिवाली पर्व अपने आप में बहुत जबरदस्त पर्व है, लगता है कि कोई त्योहार है क्योंकि एक नहीं दो नहीं हर घर में जो है लोग प्रकाश करते हैं, उजाला करते हैं और जगमगाता है इस तरह से, अलग ही मजा आता है, अलग ही आनंद आता है। स्काई शॉट, केसरी स्काई शॉट चला रहे हैं छत पर। नहीं तो नहीं बोल रहे। ओहो ये है मेहताब है, नहीं छुरछुरिया, छुरछुरिया है, छुरछुरिया फुल झड़ी। हंटर है ये, हंटर नलकी आती है दीवार वाली जी चला रहे बीड़ी बम, बीड़ी बम है कैसे हो दिखा जो बीड़ी टाइप छोटे छोटे जो पीले साइड से जलाया जाता है, जलाओ उसको ऐसे जलाओ जब आग निकले धुआं निकले तो फेंक दो बस खुश बोल गो। हाँ हाँ बोलो, देर में बोला था। शुभ दीपावली, शुभ दीपावली।
शुभ दीपावली के इस दिए की रोशनी के साथ आप सभी लोगों को शुभ दीपावली की एक बार फिर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।